नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS गुरु जी में। आज हम 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज का ये दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। बेसिकली हमारा जो ये 1000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो अभी साइंस पे चल रही है, फिर हम इसमें पॉलिटी हिस्ट्री अलग अलग सेक्टर से हम प्रश्न लेके आएंगे जो आपके किसी परीक्षा खास करके UPSC और BPSC। मैं बताना चाहूँगा कि BPSC और UPPCS के लिए हम खास रूप से तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी अभ्यर्थी BPSC और UPPCS की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़े, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर ले GS गुरु जी को, और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है नीला, सफ़ेद, काला और लाल। तो अंतरिक्ष यात्री को जो है वो आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो जो प्रसारी विश्व की संकल्पना है वो आधारित है किस पर? आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉपलर प्रभाव। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अवतल दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम। तो आपको बताना है कि इंद्रधनुषों के रंग का सही क्रम क्या है। तो जो इसका सही क्रम है वो है नीला, हरा और पीला। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई पड़ता है? अगर आपने पहला प्रश्न समझा है तो सेकंड प्रश्न आराम से कर लेंगे, क्योंकि जो मध्य में है वो कौन सा रंग है? हरा। तो इसका सही आंसर होगा, तो सही आंसर होगा वो होगा हरा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वह किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो यह व्यवहार करेगा आपका अवतल अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति। बताना चाहूँगा कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का जो अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो ये कारण होता है कि जो वायु जल में वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो जो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, हम लेते हैं उत्तल लेंस को, लेते हैं उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं, हम लेते हैं अवतल लेंस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो देखते हैं अगले प्रश्न पे, आँख के लेंस का फोकल दूरी, जो आँख का लेंस होता है उसकी फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? ये छत्तीसगढ़ के प्री में पूछा गया है। तो आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिलियरी मांसपेशियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेंस की शक्ति मापी जाती है। जो लेंस होता है लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? क्या डायोप्टर में मापी जाती है, क्या इयन में मापी जाती है, ल्यूमन में, कैंडला में? तो इसका जो सही आंसर है वो है, आपको पता होगा मैं भी, डायोप्टर में मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
कहाँ बनते हैं? तो जो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, क्या वो कॉर्निया बनता है, आयरिस बनता है, पुत्ती पर बनता है या रेटिना बनता है? तो इसका सही आंसर है वो है रेटिना। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? क्या वो काला है, क्या वो पीला है, क्या वो लाल है, क्या वो नीला है? तो जो बताना चाहूँगा, जो काला है वो प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी लाल पीला नीला सब प्राथमिक रंग है। सूर्य के प्रकाश पर रंगों की संख्या होती है, तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में रंग होते हैं 7। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न रंगों में से विषम को पहचानिए। तो कौन सा ऐसा रंग है जो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है, बाकी सब सेम लग रहे हैं, कुछ ऐसा रंग जो आपको अलग लग रहा है? तो आप समझ ही गए होंगे इसका सही आंसर है भूरा। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। जल्दी हम अपनी नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आप सभी के साथ मिल करके आगामी सभी परीक्षाओं में, खास करके PCS परीक्षाओं में आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।